back to my channel Grilled for Life. Today I am going to prepare everyone's favorite masoor do pyaza in a very quick and easy way. So let's start with the recipe. मसूर दो प्याजा बहुत रिच डिश है, हम मोस्टली इसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम मशरूम लिया है एंड मशरूम आप हमेशा फ्रेश वाला ही लें। इसके साथ चॉप्ड अनियन लिया है और 1 टमाटो, ग्रीन चिली और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक मैंने क्रश करके लिया है एंड अनियंस के मैंने ऐसे लेयर्स निकाल लिए हैं और ये वाला बहुत मस्ट भी है। साथ में मैंने थोड़ा सा काजू एंड मगज लिया हुआ है एंड मीट मसाला लिया है मैंने, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं एंड 1 टमाटो का प्यूरी। साथ में बेसिक से मसाले, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर और ये बेसिक से खड़े मसाले एंड ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तो चलिए मशरूम को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके किचन टॉवल में सुखा लिया था, तो मैंने अब पैन में ऑयल चढ़ा दिया। अब मैं इसे बस सैलो फ्राई करूंगी, बहुत ज्यादा डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है, बस लाइट ब्राउन होने तक आप इसे फ्राई कर ले। मैंने इसे सैलो फ्राई कर लिया, अब मैं इसे निकाल दूंगी। इस ऑयल में ही मैं 2 ग्रीन चिली डाल दूंगी और ये अनियंस के जो लेयर्स निकाल के रखे थे मैंने, उसे भी मैं सैलो फ्राई करूंगी। सैलो फ्राई हो गया, अब मैं इसे भी प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। ज्यादा इसे ओवर कुक ना करें, ये थोड़े से क्रंची होते हैं। अब इसी पैन में मैं ये खड़े मसाले ऐड कर दूंगी, ये बेसिक से ही है, बस बे लीफ, दालचीनी, लौंग, जीरा एंड काली मिर्च है और एक छोटी सी इलायची। इसमें मैं ये गार्लिक एंड जिंजर भी ऐड कर दूंगी, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और ये अनियन। बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लें। अनियन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, मिक्स इट। अब ये टमाटर प्यूरी ऐड कर दूंगी मैं, मिक्स इट एंड थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा मीट मसाला, तो 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं, इससे ही इसका फ्लेवर मस्त वाला आता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप ऑयल रिलीज होने तक इस मसालों को बहुत अच्छे से कुक करना। तो मसाले बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं एंड मगज का और काजू का मैंने पेस्ट बना लिया है एज यू कैन सी, तो आप इसका फाइन सा पेस्ट बना लें। अब मैं ये भी इसमें ऐड कर दूंगी, यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इससे ही वो रिच वाला फ्लेवर आता है। जस्ट मिक्स इट एंड लीड कवर करके आप इसे भी 2-3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लें। तो मसाले बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं एंड आप पेशेंस के साथ मसाले कुक करें। अभी मशरूम एंड अनियंस मैं ऐड कर दूंगी, मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए अभी से कितना यम्मी दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड करूंगी बस, ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से कुक हो जाए और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड लीड कवर करके आप 4-5 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लें। 4-5 मिनट हो गए इसे कुक करते हुए, देखिए क्या मस्त लग रहा है। अब मैं इसमें 1 टमाटो मैंने कट करके रखा हुआ है, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है एंड इसके सीड्स मैंने निकाल दिए थे, ये टमाटो ऐड कर दूंगी मैं। साथ में ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला
एंड थोड़ा सा कोरिएंडर लीव जस्ट मिक्स इन। बिल्कुल ये ऑलमोस्ट बनके रेडी है, तो बस ये मैंने अभी टोमेटो ऐड किया है, इसलिए बस लीव कवर करके बस 2 मिनट तक अच्छे से कुक करूंगी, फिर मैं सर्व कर दूंगी। तो 2 मिनट हो गया है, वाओ देखिए बिल्कुल इसका ग्रेवी परफेक्ट है। तो चलिए अब मैं हॉट आउट सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल मेरा मशरूम का प्याजा बन के रेडी है, बस इसे कोरिएंडर लीव से गार्निश करूंगी। एंड देखिए क्या मस्त रेस्टोरेंट वाला लुक भी आ रहा है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। Thank you.